हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी ताजा खबरों की सुर्खियां। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और दोस्तों शुरू करते हैं पहली और बड़ी खबर से। खबर है एलईडी बल्ब अगले महीने 10% महंगे हो सकते हैं, चीन से कंपोनेंट सप्लाई घटी। दोस्तों चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की वजह से भारत में वस्तुएं महंगी हो रही हैं। मार्च में एलईडी बल्ब 10% महंगे हो सकते हैं। एलईडी लैंप इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ELCOMA ने चीन से सप्लाई घटने की वजह से कीमतें बढ़ने की आशंका जताई है। ELCOM के वाइस प्रेसिडेंट सुमित पद्माकर जोशी ने बताया कि देश में एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले 30% कंपोनेंट चीन से आते हैं, लेकिन अभी सप्लाई कम हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस फैलने की वजह से चीन में प्रोडक्शन कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरर्स चीन के अलावा अन्य देशों से इंपोर्ट का विकल्प भी तलाश रहे। जोशी का कहना है कि सप्लाई में कमी की वजह से कनेक्टेड लाइटिंग सॉल्यूशंस और प्रोफेशनल लाइटिंग सेगमेंट ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि इस सेगमेंट की इंपोर्टेड कंपोनेंट पर निर्भरता ज़्यादा है। एलईडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियों के पास फरवरी तक का स्टॉक है। मार्च से जो प्रोडक्ट बाजार में आएंगे उनकी कीमतें ज़्यादा होंगी। खबर है रिलायंस अभी अपनी सभी मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नेटवर्क 18 में मर्ज करेगी। दोस्तों खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को मर्ज करेगी। ये सभी अब नेटवर्क 18 ब्रांड के तहत आएंगे। कंपनी ने सोमवार को इसका ऐलान किया। योजना के मुताबिक टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम और डेन नेटवर्क्स को नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। इससे 8,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली एकीकृत इंटीग्रेटेड मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनेगी। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का कहना है कि इस योजना से लिस्टेड कंपनियों की संख्या घटेगी और ग्रुप का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर सरल होगा। साथ ही मीडिया सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों में नेटवर्क 18 मीडिया का कद और बढ़ेगा। मर्जर 1 फरवरी 2020 से लागू होगा। संबंधित कंपनियों के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। रिलायंस का कहना है कि मीडिया कारोबार के कंसोलिडेशन से चारों कंपनियों के शेयरधारकों को भी फायदा होगा। मर्ज की योजना के तहत टीवी 18 के शेयरधारकों को प्रति 100 शेयरों के बदले नेटवर्क 18 के 92 शेयर मिलेंगे। हैथवे के शेयरधारकों को प्रति 100 शेयर के बदले 78 और डेन के शेयर होल्डर्स को प्रति 100 शेयर के बदले नेटवर्क 18 के 191 शेयर मिलेंगे। खबर है प्रॉफिट गिरने के बाद HSBC दुनिया भर में 35,000 लोगों को निकालेगा। दोस्तों HSBC ने मंगलवार को अपने संचालन में बदलाव करने की घोषणा की। इसके तहत बैंक दुनिया भर में 35,000 लोगों को निकालेगा। पिछले साल बैंक के प्रॉफिट में एक तिहाई की कमी आई थी। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद से बैंक को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस का संक्रमण फैल बढ़ने के साथ HSBC की मुश्किलों में और इजाफा हुआ है। हाल के समय में बैंक के एशिया बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। HSBC बैंक के CEO नोएल क्वीन का कहना है कि बैंक के बिजनेस के कुछ भाग अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। रिटर्न बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अगले 3 साल में HSBC में कर्मचारियों की संख्या को 2.35 लाख से घटाकर 2 लाख पर लाया जाएगा। बैंक ने कहा है कि 2022 तक उसकी लागत में करीब 32,000 करोड़ की कटौती करने की योजना है। खबर है दोस्तों, भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना, 2 पायदान चढ़कर ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा। खबर है दोस्तों, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत की GDP पिछले साल 2.94 लाख करोड़ डॉलर यानी 209 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। ब्रिटेन 2.83 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के साथ छठे और फ्रांस 2.71 लाख करोड़ डॉलर के साथ 7वें नंबर पर रहा। 2018 में भारत 7वें नंबर पर था। ब्रिटेन की 5वीं और फ्रांस की 6ठी रैंक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब पुरानी नीतियों की बजाय ओपन मार्केट इकोनॉमी में खुद को डेवलप कर रहा है।
भारत में 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उस वक्त इंडस्ट्री पर नियंत्रण कम किया गया, विदेशी व्यापार और निवेश में भी छूट दी गई और सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ था। इन वजहों से भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी आई। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया के तेजी से बढ़ते सेक्टर में से एक है। देश की इकोनॉमी में इसका 60% और रोजगार में 28% योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम सेक्टर हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू को भी चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5% रहने की उम्मीद है। यह 11 साल में सबसे कम होगी। 31 जनवरी को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में भी 5% ग्रोथ का अनुमान ही जारी किया गया था। सर्वे में कहा गया कि ग्लोबल ग्रोथ में कमजोरी की वजह से भारत भी प्रभावित हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों के चलते निवेश में कमी की वजह से भी चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ घटी, लेकिन जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है। अगले वित्त वर्ष से ग्रोथ बढ़ने की खबर है। चीन में दवा फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से भारत में पैरासिटामोल की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, खबर है कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने का असर चीन के साथ अब भारत पर भी दिखने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत में पैरासिटामोल दवाओं की कीमत 40% बढ़ गई है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल का कहना है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की कीमतें 70% बढ़ गई हैं। पटेल ने बताया कि अगले महीने के पहले सप्ताह तक चीन से सप्लाई शुरू नहीं हुई तो पूरी फार्मा इंडस्ट्री में इंग्रीडियंट्स की कमी हो सकती है। एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स इंग्रीडियंट्स यानी API के आयात के लिए भारत की चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। किसी भी दवा को बनाने के लिए API सबसे अहम कंपोनेंट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2016-17 में भारत ने SAPI सेगमेंट में 19,653.25 करोड़ रुपए का आयात किया। इसमें चीन की हिस्सेदारी 66.69 रही। खबर है पाकिस्तान को नहीं मिली राहत, FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान से आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानूनों को लागू करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। FATF ने आतंकवाद के वित्त पोषण पर पाकिस्तान की स्थिति की समीक्षा के लिए पेरिस में जारी 5 दिवसीय पूर्ण सत्र के दौरान यह निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, जिसके कारण इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता मिलने में कठिनाई हो रही है। FATF ने पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए 27 सूत्री योजना का पालन करने के लिए कहा है, अन्यथा ईरान और उत्तर कोरिया के साथ शामिल होने के लिए चाहता था पाकिस्तान रहने की चेतावनी दी है। संगठन ने मंगलवार को बैठक में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने दावा किया है लश्कर और आतंकवाद के 26/11 मामले में आतंकी हमले पाए जाने, हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने सजा तथा पाकिस्तानी आतंकवादी है मोहम्मद अजमल कशाब को बेंगलुरु के समीर चौधरी के रूप में मारे जाने की योजना बनाई थी। मारिया ने सोमवार को जारी अपने संस्मरण लेट मी से इट नाउ में 26/11 के मुंबई हमले में उनके द्वारा की गई जांच का जिक्र किया। उस हमले की योजना लश्कर ने बनाई थी और उसमें पाकिस्तान का हाथ भी होने का पता चला था। पुस्तक में खुलासा किया है कि ISI और लश्कर जेल में ही कसाब को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो हमले की कड़ी उन समूह से जोड़ने वाले प्रमुख सबूत था और दाऊद इब्राहिम के गिरोह को उसे खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। मुंबई आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने की लश्कर की योजना का ब्यौरा देते हुए मारिया ने लिखा, यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता तो कसाब चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हमले के लिए हिंदू आतंकवादियों को दोषी ठहराती। उन्होंने दावा किया है कि आतंकवादी संगठन ने आतंकवादियों को भारतीय पते के साथ फर्जी पहचान पत्र भी दिए गए थे। आतंकी हमले के बाद जारी की गई कसाब की एक तस्वीर के बारे में मारिया ने कहा, यह केंद्रीय एजेंसियों का काम था। सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरी कोशिश की कि मीडिया के सामने किसी विवरण का खुलासा नहीं हो।
तस्वीर में कसाब की दाहिनी कलाई पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, जिसे पवित्र हिंदू धागा माना जाता है। इस बात ने कई लोगों को यह भरोसा करने के लिए प्रेरित किया कि षड्यंत्रकारियों ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने का प्रयास किया था।